नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कलेक्शंस। कलेक्शन तो कलेक्शन में दोस्तों क्या होता है कि मान लिया आपके पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हैं, मान लिया आपके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, कितने क्या क्या वैल्यू है फ्रूट्स की, एप्पल, बनाना, चेरी, गुआवा, ऑरेंज, अब ऐसे करके काफ़ी सारे आपके पास वैल्यूज़ हैं फ्रूट्स की, उनको आपने किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, ठीक है, एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो वो जब कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ होंगी ना आपको, तो और किस उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है ना, तो उस केसेस में आपको यूज़ होगा लिस्ट, टप्पल, इस तरह के जो कलेक्शंस होते हैं, ठीक है, ऐसे और भी होते हैं डिक्शनरी, ठीक है, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर के टाइप में आप डाटा स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो अभी उसको मैं आपको बाद में डिफाइन करूँगा, अभी आप बिल्कुल सिंपल चलिए, ठीक है। तो जब आपके पास मल्टीपल वैल्यू ऑफ डाटा होता है, उसको आपको किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराना है ना, तो आपको यूज़ होता है लिस्ट और टप्पल्स का, ठीक है। हम लिस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लिस्ट को कैसे डिफाइन करना है, दिस इज डिफाइंड एज अ लिस्ट, ठीक है। क्या होता है कि आपने लिस्ट का नाम दे दिया, मान लिया फ्रूट्स, ठीक है, उसके बाद में आपको ये बिग ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ठीक है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, तो उसको आप कोट्स के बीच में डालेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बीच में डालेंगे। अगर आपके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप उसको डायरेक्टली डिफाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह की वैल्यूज़ को जब आपको मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है, तो आप उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, बिग ब्रैकेट, इसके अंदर में इन्वर्टेड कॉमास, फिर उसके बाद में वैल्यू, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर वैल्यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, ठीक है, और बाद में उसको क्लोज करने के लिए हम क्लोज कर देंगे, बिग ब्रैकेट के साथ में उसको क्लोज कर देंगे। तो जब हम इस स्ट्रक्चर में किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज अ लिस्ट, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ, आई डी में ले जाता हूँ पाईचार्म की, ठीक है। मान लिया यहाँ पर आपने एक लिस्ट डिफाइन की फ्रूट्स के नाम पे, ठीक है, इक्वल टू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हमने डिफाइन किया एप्पल, नेक्स्ट इज कोमा, फिर स्टार्ट बनाना, ठीक है, फिर कोमा स्टार्ट, फिर ऑरेंज, ठीक है, आपने ये डिफाइन कर दिया, ठीक है, ऐसे मल्टीपल वैल्यूज इसके अंदर में आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब आपने फ्रूट्स में ये वैल्यूज़ को उठाना है, एक्सेस करना है, ठीक है, तो आप कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है, मान लिया आपने बनाना वैल्यू को एक्सेस करना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, आप लिखेंगे फ्रूट्स ब्रैकेट स्टार्ट। देखो दोस्तों, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो आप बोल सकते हैं कलेक्शन रहती हैं, ठीक है, ऐसे ही लिस्ट, अरेज, टपल्स, डिक्शनरीज, जब उसकी फर्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी ना, जब उसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, दैट इज दिस वन, तो उसको आप एक्सेस करेंगे जीरो के साथ में, इट इज स्टोर्ड ऑन द लोकेशन ऑफ जीरो, ठीक है। आपको बताता हूँ, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, मान लिया आपने एप्पल को एक्सेस करना है, इट इज स्टोर्ड एट द लोकेशन 0, 1, 2, ठीक है, ये तो लोकेशन का एड्रेस है, ठीक है, 0 पे 1 पे 2 पे, ठीक है, बट द लेंथ ऑफ द कलेक्शन इज 1, 2, 3, यानी 3, ठीक है, लेंथ एंड पोजीशन बोथ आर डिफरेंट, ठीक है, समझ आता है। लेंथ हमें बताता है कि ये कितना बड़ा है, कलेक्शन कितना बड़ा है, 3 units बड़ा लेंथ है, ठीक है, इसके अंदर 3 objects हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है, 0, 1, 2, क्योंकि फर्स्ट लोकेशन कैन बी एक्सेस्ड विद 0, जब हम ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 डिफाइन करेंगे, इट मींस इट इज एक्सेसिंग द 0th पोजीशन ऑफ कलेक्शन, ठीक है। तो चलते हैं हम पाईचार्म की तरफ, तो हमने यहां पर 0 लिखा, तो जो ये एक्सेस करेगा दैट विल बी एप्पल, हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखो एप्पल आ गया, ठीक है, इसका मतलब है कि जो लोकेशन है, दैट लोकेशन इज, दैट एप्पल इज लोकेटेड एट द 0th पोजीशन, ठीक है, जो 0th पोजीशन पे है वो एप्पल एक्सेस वहां पर है,
ऐसे हम वन करेंगे बनाना, टू करेंगे ऑरेंज। अब आप बताइए अगर थ्री करेंगे तो क्या आएगा, थ्री लोकेशन पे तो कुछ भी नहीं है, है ना। जीरो वन टू थ्री लोकेशन पे क्या आएगा, एरर। ठीक है, क्या एरर है, लिस्ट, दिस इज द लिस्ट, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज हो गया। ठीक है, तो दैट इज द लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब एरर आएगा तो एरर को आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शनल हैंडलिंग। ठीक है, तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑपरेटर। ठीक है, बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, और भी अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हम वेरिएबल्स के ऊपर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर ऑपरेशंस बताए हैं दैट आर सिंपल एंड मोस्टली यूज्ड ऑपरेटर्स। ठीक है, प्लस माइनस स्टार डिवाइड नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन। ठीक है, इक्वल टू इज और एंड नॉट एंड एम परसेंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, और भी बहुत तरह के ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, दीज आर बेसिकली यूज टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स। ठीक है, ये ऑपरेटर्स को हम वेरिएबल्स के ऊपर में कुछ ऑपरेशंस करते हैं तो उस टाइम पे हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अभी हमने प्लस ऑपरेशन का पीछे में एग्जाम्पल देखा था, जब हमने नम वन एंड नम टू, जो नंबर वन और नंबर टू को हमने नंबर थ्री के अंदर ऐड किया था, प्लस नम टू। ठीक है, नम वन नम टू, दिस प्लस इज सेम एज ए ऑपरेटर। ठीक है, ऐसी तरह प्लस माइनस स्टार डबल स्टार लगाएंगे तो पावर का ऑपरेशन यूज हो जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल के लिए यूज होता है, ये डबल स्लैश कोशेंट के लिए यूज होता है, परसेंटेज रिमाइंडर के लिए, मोडस के लिए, मॉड्यूलस के लिए यूज होता है, ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों, मान लिया आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए। ठीक है, उसके अंदर आपने वैल्यू डाल दिया 10, एक और वेरिएबल डाल दिया बी, इसके अंदर वैल्यू डाल दिया 20। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर में ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, प्लस माइनस स्टार डबल स्टार, ठीक है, किसी भी तरह का आप इसके अंदर ऑपरेशन लगा सकते हो। तो कौन सा ऑपरेशन लगाएं इसके अंदर, एक सी वेरिएबल के अंदर हमने ए का डबल स्टार करके बी डिफाइन कर दिया है, देखिए। ठीक है, अब आपने प्रिंट कर दिया सी। ठीक है, एग्जीक्यूट किया इसको, ये देखिए वैल्यू इसकी, मान लिया इसको छोटा करते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे 27, 3 की पावर 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27। ठीक है, ये पावर का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, इसी तरह से ही मान लिया आप परसेंटेज का ऑपरेशन लगा के देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम 8 डिफाइन करते हैं, यहाँ हम परसेंटेज डिफाइन करते हैं 2, यानी रिमाइंडर, परसेंटेज का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2। ठीक है, ऐसे ही लॉजिकल ऑपरेटर्स रहते हैं। जब हम इफ के बारे में पढ़ेंगे, इफ कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये ऑपरेटर लगा कर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों,